हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार के लिए दिन बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, और वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू आर पार की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार हालात बदलते चले जा रहे हैं और ऐसे में पंजाब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा सियासी संकट और एक तरह से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के आक्रामक तेवर दिखाई देते हैं और उनके दो सलाहकारों की ऐसी टिप्पणियां सामने आई हैं जो अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का एजेंडा कुछ और ही हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को शायद अपनी जगह दिखाने की कोशिश में नवजोत सिंह सिद्धू के ये सलाहकार पाकिस्तान के मुद्दे पर कैप्टन की तमाम नीति की बख्या उधेड़ रहे हैं और एक तरह से इन्हें देशविरोधी के तौर पर देखा जा सकता है। यहां तक कि कश्मीर के मुद्दे पर भी सरकार की, केंद्र सरकार की बख्या उधेड़ते पंजाब सरकार की भी बख्या उधेड़ रहे हैं और एक ये लाइन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था या नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय बड़ी स्पष्ट रख चुके हैं। इसके बावजूद इस तरह की बातों को सामने रखकर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह से ही सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि कांग्रेस की नीति से भी कई बड़े सवाल पूछते चले जा रहे हैं, और इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को इन दोनों सलाहकारों को जबरदस्त फटकार लगाई। कहा कि आप पहले अपना होमवर्क करके आइए और उसके बाद आप जो काम के लिए रखे गए हैं उसी काम को कीजिए, बाकी पॉलिसी मैटर्स पर आपको आप सार्वजनिक टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति लगातार विकट होती चली जा रही है और अब तो उस पूरे प्रदेश के प्रभारी लगातार इस मुद्दे पर अब चिंता कर रहे हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसके साथ साथ नवजोत सिद्धू के बीच में ये लड़ाई, ये रार कहीं और ज्यादा फैलती तो नहीं दिखाई देगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि लगातार इस पर और जानकारी उपलब्ध की जा रही है और अब इस पूरे मामले पर दोनों तरफ से वाद विवाद लगातार होता चला जा रहा है और उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि अब केंद्र सरकार में जो बैठी आला कमान है उसे भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस पूरे मसले का समाधान कैसे निकाला जाए। इसी पर आज है हमारी बहस मुकाबला। क्या आज कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ऐसा तत्व है जो पाकिस्तान के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर देश विरोधी संवेदनाओं को बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी पर करेंगे बहस, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब में वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के ताजा बयान जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार। नवजोत सिद्धू के दो सलाहकार हैं बलविंदर सिंह माली, जिन्होंने कश्मीर पर न सिर्फ विवादित बयान दिया है बल्कि इंदिरा गांधी का एक ऐसा कार्टून सामने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है जिसके बारे में कोई भी कांग्रेस का कोई भी नेता इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये एक बहुत पुराना कार्टून है जिसे उन्होंने दोबारा अपने फेसबुक पेज पर डाला है और कश्मीर को अलग देश बताने की बात कर डाली है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गर्ग साहब है जो कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इन दोनों सलाहकारों को बुलाकर पूछताछ करने की बात कही है नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन उसके बाद इन सलाहकारों का क्या कहना है ये देख लीजिए। जो मल्ली साहब का वो पोस्ट आया जिसकी उससे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि माडी साहब का जो पोस्ट है माडी साहब के अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, जो मैं बोलता हूँ वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है जी सर। जो ये बोलते हैं कि हमने वहाँ क्या किया वो हम जिम्मेवार हैं उसके लिए जी सर। जो हम ऐसे तो हमारा तो पूरा लाइफ है जी सर। मेरी तो 73 साल की उम्र होगी, मैं तो हर सरकार को क्रिटिसाइज ही करता हूँ और मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ जो ठीक काम करते हैं, और मैं उनके साथ मिलकर भी काम करता हूँ और उनकी विरोधता भी करता हूँ। तो आपने देखा कि अपने बयान से पलट नहीं रहे हैं गर्ग और ना ही माली पलट रहे हैं अपने बयान से। उनका कहना है कि इनकी व्यक्तिगत सोच है और ये किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन अब असली सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि क्या इसी सोच के साथ कांग्रेस भी चल रही है? क्या कांग्रेस भी यही मानती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या कांग्रेस भी यह मानती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध करने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए और भारत सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है? तमाम ये सवाल जोड़कर खड़े हो रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से, तहसीन पुलीवाला कांग्रेस से, सिरसा जी अकाली दल से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, अहाब सिंह गेरवाल आम आदमी पार्टी से और प्रीतपाल सिंह बालीवाल पंजाब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से, तहसीन पूनावाला कांग्रेस से, मनजिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, आहताब सिंह गैरवाल जी आम आदमी पार्टी से और प्रीतपाल सिंह बालीवाल जी पंजाब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा का विषय बड़ा स्पष्ट है, नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकार, एक जो कि पाकिस्तान की निंदा के कैप्टन अमरिंदर सिंह के अप्रोच को पूरी तरीके से गलत मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान से गले मिलना चाहिए, दूसरा जो कि माली साहब हैं, उनका यह कहना है कि कश्मीर भारत का अंग अगर है तो फिर धारा 370 के हटाने की बात कैसे हो रही है, वो तो फिर होना ही नहीं चाहिए था, अलग राज्य है और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी का कार्टून। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में प्रीतपाल जी, मैं आप ही से करूं, दो सलाहकार, उन दोनों की राय सामने है, पूछताछ हो रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी क्या मानती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अजय कुमार जी, वो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा क्लियर किया है, उसमें बड़ा ब्रीफली किया गया है कि जो हमारे देश के मुद्दे हैं उनके ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स हैं बिफोर कमिंग द एडवाइस हैं उस चीज को उन्होंने ज्यादा कॉमेंट नहीं कर दिया पंजाब में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा क्लियरली कहा है कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो इस बात से बहुत सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक इसके बारे में कोई बयान जारी किया ही नहीं है, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज अभी ठीक नहीं आ रही। प्रीतपाल जी, हम आपके पास तुरंत वापस आते हैं। तहसीन पूनावाला जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि दो सलाहकारों की राय बिल्कुल मायने नहीं रखती है, तो फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू को सामने आकर बोलना चाहिए, उन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, और दोनों जो सलाहकार हैं उन्होंने बात करते हुए मीडिया से यही कहा है कि भाई हम तो अपने बयान पर स्टैंड करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने आपके शो में शिरकत करने के लिए एक शर्त रखी थी कि जब मैं बोलूंगा एंकर बीच में नहीं टोकेगा, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दर्शकों को मेरी बात आप सुनने देंगे। आपके शो के शुरुआत में आपने जो आपकी मन की बात की, उसमें आपने कहा क्या कांग्रेस कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं मानती। दो सलाहकार जिनके कोई संवैधानिक पद नहीं है, कांग्रेस में कोई संवैधानिक पद नहीं है, उन्होंने कुछ बयान दिया, उस पर हम चर्चा जरूर करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कहते उसको आप तवज्जो नहीं देते। आप ये कहते कांग्रेस कश्मीर को नहीं मानती, यानी कि आपका एजेंडा साफ है कि आप दिखाए कांग्रेस को नेगेटिव लाइट में, मैं इसके खिलाफ हूँ, ये गलत है। आप पत्रकार हो, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी बात करते, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं बड़े सरल शब्दों में अपनी बात को रखता हूँ। किसी ने कुछ अगर कहा अगर और वो गलत है, उस पर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, उस बात के अंदर जाएंगे। लेकिन कल जब जेपी नड्डा ने मेरे तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा लगा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि जेपी नड्डा देशद्रोही है, भाजपा देश के खिलाफ है, भाजपा तिरंगा को नहीं मानती। चलिए, कम से कम आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं जरा स्पष्टता से आपसे समझ लूं, अभी तक जिस व्यक्ति को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान तो सामने है, लेकिन एक भी बयान नवजोत सिंह सिद्धू का नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष है। आपको लगता है कि उनको चुप्पी साधे रखना चाहिए? आपकी बात मानता हूं, लेकिन सुन लीजिए, आपका कोई स्ट्रिंगर ने कुछ किया उससे मैं कह दूं रजत शर्मा जी को बयान देना चाहिए, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप तिल का तार नहीं बना रहे, उसमें कोई दोष नहीं। मेरी बात समाप्त होने दीजिए, गलत बात है। देखिए, मैं यही गलती है, आप जिस शर्त के साथ आए थे उस शर्त में बदतमीजी शामिल नहीं थी। मुझे नहीं करना है शो, मत कीजिए, प्लीज फील फ्री टू गेट आउट, फील फ्री टू वॉक आउट सर। अगर आपके पास जवाब नहीं है आप बाहर निकल सकते हैं शो से, लेकिन आप बदतमीजी नहीं कर सकते, ये मैं नहीं होने दूंगा। बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए इस बातचीत में। चलिए, आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह साहब, आपने अभी देखा कांग्रेस की तरफ से तहसीन पूनावाला जी जिस तरह की दलील देने की कोशिश कर रहे थे, क्या गले के नीचे इस तरह की बात उतरती है क्या? देखिए,
वो बेसिर पैर की बातें करते हैं और वो तुलना करते हैं, बेसिर पैर की तुलना बनाते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें बड़ा स्पष्ट बता दूं कि मेरे पास 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पड़ा है। इसका क्लॉज नंबर 37, उनका पैरा नंबर 37 बड़ा स्पष्ट कहता है कि हम धारा 370-35 से नहीं हटने देंगे। मैं नहीं कह रहा, उनका ये मैनिफेस्टो का क्लॉज नंबर 37 स्पष्ट कहता है। धारा 370 हटने के बाद भी उनका जो पास हुआ रेजोल्यूशन, उसमें ये उनके रेजोल्यूशन की कॉपी है, उसमें भी बड़ा स्पष्ट है कि हम धारा 370-35 से हटने के खिलाफ हैं। ये कांग्रेस की एक लेट स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी प्रवक्ता ने जो कहा नहीं कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मूल बात समझिए जो मल्ली ने कही है वो बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है कश्मीर इज कंट्री ऑफ कश्मीरी पीपल, जस्ट लाइक टू न्यू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान वर फाउंडेड 1947 ऑन टू पीसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल। Similarly, on rules are given by violating the decision of Kashmir alliance with India, Kashmir has been divided into two parts of country with first Pakistan, now India has an illegal occupation. और दूसरा वो कहते हैं what was the meaning of article 370-35A। तीसरा वो कहते हैं कि हरि सिंह ने जो सक्सेशन साइन किया था वो पूरा नहीं था, वो एग्रीमेंट क्या था जिसके कारण साइन किया था। वो पता नहीं कैसे लोग हैं ये, हरि सिंह जी का मेरे पास एग्रीमेंट साइन किया हुआ, उनके हस्ताक्षर हैं। ये 536 जो रियासतें थी जिन्होंने साइन किया था एग्जैक्टली वर्ड बाई वर्ड एग्जैक्टली सेम है। और मैं कुछ तारीखें बता दूं, ये 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था। उसके बाद धारा 370 17 अक्टूबर 1949 को लाई गई और 35 से पिछले दरवाजे से 14 मई 1954 को लाई गई। पता नहीं कहां से क्या क्या सोचते हैं क्या नहीं। और इसको और बाद में देश के संविधान को वहां की असेंबली ने रेटिफाई किया, परंतु विषय दूसरा है। एक मिनट, विषय बड़ा है और दूसरा है। विषय असल में क्या है कि सिद्धू एक नए प्रकार के वोट बैंक को पैलेकेट कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धू। और उसके चलते इनके बयान के ऊपर सिद्धू का एक रिएक्शन नहीं आया। और ये सिद्धू के कारण नहीं हो रहा, सिद्धू तो राहुल गांधी ने नियुक्त किया वहां पर। इस पर राहुल गांधी का आशीर्वाद है कि आप जो 1980 के अंदर आप हमने कांग्रेस से पंजाब में जो पॉलिसी खेली थी उस पॉलिसी पे चलो, उस लाइन पे चलो, उस लाइन पे चलते हुए पंजाब को वापस से उसी तरफ धकेलो, आतंकवाद की तरफ धकेलो, जो रेडिकलाइजेशन के अभी शुरू किया है, रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेलो। और बाद में हम इसका एक अरविंद साहब आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, मुझे लगता है कि प्रीतपाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। प्रीतपाल जी प्लीज जवाब दें। आवाज अजय जी क्लियर नहीं आ पा रही थी। प्रीतपाल जी अभी आपके आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी साजिश रच रही है, ये सब कांग्रेस पार्टी की खुद की भीतर की सोच है। आप है हमारे साथ प्रीतपाल जी? फिलहाल नहीं है। मैं जरा आप सिरसा जी के पास चलूं। सिरसा जी, ये जो दोनों बयान आए हैं सलाहकारों के, ये अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़ा करते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद तय नहीं कर पा रही उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि उहापो की स्थिति बहुत ज्यादा दिख रही है? देखिए, ये कह देना कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं है, वो एक अलग से स्टेट है, ये मुझे लगता है कि बहुत दुखदाई इसलिए भी है। भारत की बात जब हम करते हैं और भारत के दुश्मनों की बात हम करें और ये कहें कि जो दुश्मन चाहते हैं उनकी हाँ में हाँ भरें, कहीं ना कहीं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी तरह का स्टैंड पहले लेते रहे हैं, चाहे भाजपा का मसला रहा हो, चाहे इमरान खान का मसला रहा हो। उनकी भी जो है वो प्यार मोहब्बत उधर ज़्यादा रहा, तब भी कांग्रेस हाईकमांड ने कभी कोई स्टैंड उनके खिलाफ नहीं लिया। अब दो दो उनके एडवाइज़र जो ये बयान दें और उसके बाद ना तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू के खिलाफ कोई बात बोली। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जरूर अपना स्टेटेड जो उनकी कांग्रेस का है व्यू वो बताया, लेकिन इसको कोई किसी ने अभी तक रेक्टिफाई या जस्टिफाई तो नहीं किया कांग्रेस के हाईकमांड ने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये एक बहुत ही खतरनाक चेहरा है जो वो पंजाब को एक गलत रास्ते चलाना चाहते हैं, पंजाब के अंदर इंस्टिगेट करना चाहते हैं ऐसी बातों को, ताकि उसका नुकसान दोबारा से पंजाब को झेलना पड़े जैसे 1980 और 90 के दशक में झेलना पड़ा। मुझे इस बात का अजय जी दुख है। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, जब पीओके जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि देश भारत का ही अंग है वो भी, लेकिन जब उस पर हमला पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किया गया था, अगर आपको याद हो,
तो उसके अंदर जो सिख वहां के बशिंदे थे उन लोगों ने लगातार 48 घंटे तक लड़ाई लड़ी थी बिना आर्मी के, आर्मी बाद में आई थी वहां पे जी। तो कितनी लोगों की शहादतें हुई और आज भी आर्मी के कितने लोग शहीद जवान हुए, उनके परिवारों के जख्मों की उम्र नमक छिड़कने वाली बात है, वो तो देश के लिए जान दे रहे हैं वहां पे। और कांग्रेस की स्टेटेड वर्जन ये है कि ये हमारा देश का हिस्सा ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बड़े लोगों को आहत करने वाली और जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी को क्लैरिफाई करना चाहिए और कांग्रेस हाईकमांड को भी उसके ऊपर जरूर अपनी राय देनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल प्रीतपाल सिंह बालीवाल जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? प्रीतपाल सिंह जी इको बहुत ही आवाज है, सारी इको थी। प्रीतपाल जी आप हमारी बात सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता तक हमारे पास हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। तहसीन पुरा वाला तो खैर मंच छोड़कर ही भाग निकले, उनके पास तो उनका एजेंडा ही कुछ अलग था। लेकिन आइए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। राजीव रंजन जी, कांग्रेस का ये जो चेहरा अब दिखाई दे रहा है और खास करके जिस तरह के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, ये एडवाइजर्स हैं, जब इस तरह के एडवाइजर होंगे तो सोच क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है देश की संप्रभुता अखंडता इन सवालों पर कांग्रेस को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी चिंता नहीं हो इन सवालों को लेकर के। कई बार मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की आदत बन गई है उनके नेतृत्व की कि वो ऐसे सवालों पर निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये फैसले तुरंत लिए जाने चाहिए कि जिन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिन्होंने कश्मीर को लेकर के जैसा बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी चिंता पैदा करने वाला बयान है कि एक मेनस्ट्रीम पार्टी के पीसीसी प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स ऐसा अगर कहते हैं तो कांग्रेस के एक हिस्से की ऐसी राय हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व तो ऐसा चाहे इससे इसकी पुष्टि नहीं होगी, लेकिन आप अगर इस पर फैसला नहीं ले रहे हैं तो आप उस नुकसान का आकलन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि इस देश की जनता किसी भी सूरत में कश्मीर को या देश की एकता को लेकर के कोई भी समझौता नहीं कर सकती है और किसी भी तरह की रियायत नहीं बरत सकती है। और मुझे लगता है मालीवाल का जहां तक मामला है, ये ऐसे ही मसलों के लिए देशद्रोह का कानून अगर अभी भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या सख्त से सख्त कड़े कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठाए जाने चाहिए, इसलिए कि जाने अनजाने में उन्होंने जो बातें कह दी धारा 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट माना, एक सेपरेट नेशन माना और दोनों को वह इलीगल ऑक्यूपेंट माना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान अब तक का सबसे खतरनाक बयान है। बिल्कुल, इस बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और देश के कानून को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस के नेतृत्व को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस देश की आजादी में जो उनका योगदान है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके नेताओं को जरूर ऐसे मसलों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। राजीव जी, ऐसे में एक सवाल उठता है जो मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। कई हलकों में इस बात की चर्चा लगातार होती रही है कि कई बार कांग्रेस दरअसल देश विरोधी ताकतों के साथ हाल फिलहाल ज्यादा खड़ी होती हुई दिखाई देती है और कई मुद्दों पर जब उनके तमाम नेता जवाब या सवाल देते हैं तो फिर उस वक्त कांग्रेस का आलाकमान जवाब देने से कन्नी काटने लगता है और एक तरह से एक इंप्रेशन बनता है कि कांग्रेस दरअसल उनको इंडोर्स ही कर रहा है, जो कि अभी भी है। नवजोत सिंधु ने इससे कहीं कोई डिनाई नहीं किया है, उन्होंने अपने सलाहकारों को लताड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें सबक नहीं सिखाने की बात कही है, एक्सप्लेनेशन मांगा और सलाहकार अपनी बात पर कायम है। तो क्या कांग्रेस जब दिखने लगती है कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है तो क्या यह पार्टी के फायदे की बात हो सकती है कहीं से भी? मैं तो वही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को कम से कम अपनी इतिहास, अपना इतिहास, अपनी विरासत, अपनी परंपरा का ख्याल करना चाहिए। उन शहीदों की आत्मा किस हद तक अभी दुखी होगी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। कश्मीर की हिफाजत के लिए ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी और जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में भारत को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने का काम कांग्रेस के नेता के सलाहकार ने किया है, ये
बार बार अवसर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ऐसे तत्वों से पिंड छोड़ाना ही होगा। बिल्कुल, नहीं तो आगे प्रीतपाल जी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको राजीव जी रोक रहा हूं, प्रीतपाल जी के पास चलते हैं। प्रीतपाल जी, लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की निंदा से काम नहीं चलेगा, सबसे ऊंचे लेवल से इस पर निंदा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से या सलाहकार के पोजीशन से हटाया जाना चाहिए, अन्यथा आप देश विरोधी दिखाई देंगे। प्रीतपाल जी, देखिए अजय भाई, मैंने पहले आरपी सिंह जी की पता लगा कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। भाई साहब, देश की आजादी में जितना हमने खून बहाया है और पंजाबियों ने बहाया, उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। और हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की आतंकवाद के जो यहाँ फैलाना जा सके, मेरे हिसाब से आरएसएस और बीजेपी से कोई शहीद का नाम जाना नहीं जाता है हिंदुस्तान में। सो हमें ज्ञान दे, नाम बंद करें। सेकेंडली, जो बार बार आप माली जी और गर्ग जी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, एज अ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब कांग्रेस, मैं भी उस चीज को कंडेम कर रहा हूं। और ये चीज के ऊपर आज 3 से 4 घंटे मीटिंग हुई है नवजोत सिंह सिद्धू की और उनके एडवाइजर्स की, और जौन से ये बयान है ये पुराने बयान है, अब नई सोच बदल चुकी है। अगर हम कहें कि नई लाइन में अगर कोई आदमी आना चाहे, नई सोच बदल जाती है, कॉमरेड से लोग आरएसएस में चले जाते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी वालों की सोच हमारे वाली कांग्रेस वाली सेकुलर पार्टी वाली हो जाती है, सोचें बदलती रहती है। वो पुरानी ट्वीट्स हैं, तो पुराने बयान है, वो उसके ऊपर अगर हम शोर मचाएं उसका बेनिफिट कोई नहीं है। बट अभी आफ्टर वो अपना क्या कहते हैं एडवाइजर बनने के बाद अगर उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो उसे हम कंडेम करेंगे, बट वो पुरानी स्टेटमेंट है और फिर भी हम उसे कंडेम कर रहे हैं कि वो राष्ट्र हित में नहीं है, उसे वापस लेना होगा उन्होंने। और मुझे अकॉर्डिंगली एडवाइजर साहब हैं जो नवजोत सिद्धू के, वो इस चीज के ऊपर माफी भी मांग लेंगे और अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेंगे और इशू खत्म हो जाएगा। आज की डेट में अजय जी इश्यूज बहुत ज्यादा है, पर बीजेपी के लोगों की आदत है उसे डिबेट आउट करना। किसानी मसला सबसे बड़ा है, तो किसानों को हमारे आतंकवादी कह रहे थे जिनके बच्चे। प्रीतपाल जी, आप जो कह रहे हैं उसका आरपी सिंह साहब भी जवाब देना चाहते हैं और सिरसा साहब भी। पहले सिरसा साहब आपसे जवाब ले लेते हैं, फिर आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, बस एक मिनट सिरसा जी प्लीज। नहीं, प्रीतपाल जी ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा कि जो ये स्टेटमेंट दी गई जम्मू कश्मीर को लेके, उसके ऊपर वो जल्दी माफ़ी मांग लेंगे। और मुझे नहीं समझ में आया कि उसको टाइम सीमित रखी चल रही है देश के प्रति बोले अपशब्दों के लिए। अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रीतपाल जी डिबेट खत्म करेंगे, उसके बाद वो माफ़ी मांगेंगे, या उन्होंने को टाइम सीमा तय किया कि हम इतने घंटों के बाद माफ़ी मांगेंगे इस मसले में लेकर। तो मैं ये जरूर चाहूँगा प्रीतपाल जी देश के लोगों को बताएं, जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए कितना टाइम और चाहिए होता, कोई टाइम लिमिट सिस्टम बना रखा है कांग्रेस के अंदर कि ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद इतना टाइम गैप देना पड़ता है। चलिए मिनिमम, प्रीतपाल जी थोड़ा जवाब दे दीजिए, फिर मैं अग्रवाल जी के पास चल रहा हूं। प्रीतपाल जी, क्या टाइम लिमिट है सर? अजय भाई, इसके ऊपर क्योंकि पहली बात माली जी और गर्ग साहब हमारे ऑफिशियली मेंबर भी हैं कांग्रेस पार्टी के, फिर भी एज ऑन द बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी हम मांग करते हैं कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला। बट सिरसा साहब की पार्टी के मुखिया जो बड़े बादल साहब हैं, उनका अनंतपुर साहब का मता निकाल दीजिए, अमृतसर का मता निकाल दीजिए, उसके ऊपर तो कुछ और ही सेपरेटेशन की बात करी है बादल साहब ने, बड़े बादल साहब ने। मुझे नहीं लगता कि 30-32 साल में कभी बादल साहब ने माफी मांगी हो। अगर वो एजेंडा चलाना है तो आपको मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। आई थिंक हमने तो गलत काम किया, माफी मांगेंगे क्यों? हमने तो गलत किया ही नहीं है, बनवाई है और ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, वो मुझे समझ नहीं आता। और जब बीजेपी वाले भी इनके साथ थे यादगारें बनाने के लिए, तब भी बात कीजिए। आपकी जो साथी है, अभी जो आरटीएक्स पकड़ा गया 2-4 दिन पहले पंजाब में, टिफिन बॉम्ब की कहानी चल रही थी, वो इनके पार्टी के मेंबर के बेटे के घर से पकड़ा गया है। पंजाब में नशे की छेवा दरवाया बहाया इन लोगों ने, उसकी कब माफी मांगोगे? गुरु साहब की बेअदबियां करवाई है, उसकी माफी कब मांगोगे? नहत्थे सिखों के ऊपर गोलियां चलवाई है, उसकी माफी कब मांगोगे? सिरसा साहब, आपने काफी लंबी फहरिस्त दे दी, सिरसा जी इसका जवाब देंगे। मैं जरा अग्रवाल साहब के पास, अग्रवाल साहब प्लीज जवाब दीजिए, फिर मैं जरा आरपी सिंह साहब के पास चल रहा हूँ। जी साहब, जी सर, मुझसे सर आरपी जी एक मिनट रुक जाइए सर, बात कर लीजिए, एक पहले तो बोल लीजिए अगर बुलाया है तो। सर, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पंजाब के ज्वलनशील मुद्दों को से भटकाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं,
जो पंजाब में आज हालात हैं उससे भटकाने के लिए नए नए तरीके के कोई ना कोई हथकंडे अपनाए जाते हैं। दूसरा पहलू यह है कि सिद्धू साहब के जो एडवाइजर हैं उनका सिद्धू साहब की सोच से मेल खाना स्वाभाविक है। सिद्धू साहब के परम मित्र हैं इमरान खान और जनरल बाजवा, तो उनका इनके साथ मेल खाना बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर एक व्यक्ति देश के खिलाफ ऐसी कोई बात करता है तो कैप्टन साहब को और पंजाब सरकार को किसने रोका है उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दायर करने के लिए? क्योंकि ये सेडिशियस बात है। अगर आप कहें कि कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है तो ये बिल्कुल सेडिशियस बात है। और तीसरा पहलू अजय जी ये है कि मैं सभी पार्टियों की बात सुन रहा हूं, कहीं ना कहीं जब भी इलेक्शन होती है उससे पहले ये कहा जाता है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश है। पंजाब के लोग देशभक्त हैं, हम ये बार बार देश को दिखा चुके हैं, हमें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। और पंजाब में कोई भी पॉपुलेशन का ऐसा हिस्सा नहीं है जो ऐसे देशद्रोहियों के साथ या देश के खिलाफ होने वाली बातों का साथ देगा। आरपी सिंह साहब, आपके ऊपर भी प्रहार है, की जाती है, आपने आतंकवाद का जिक्र किया, आपके ऊपर सीधा प्रहार है गहरीवाल जी का। मुझे पता नहीं गहरीवाल साहब कहाँ की बात करें। 1980 से लेकर लगभग 1996-95 तक पंजाब ने जो सहा है सबको जानकारी है। और किसके कारण से सर, मैंने आपको साहब दिल्ली में नहीं, मैं पंजाब में रहता, मैंने सर मैंने पंजाब आपसे ज्यादा हटाया, आप तो अभी राजनीति में आए हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, प्लीज मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं है, मगर आप चलिए जवाब ले लीजिएगा सर, मैंने आपको टोका नहीं। और इनकी पार्टी के तो जो मुखिया हैं वो तो आतंकवादियों के घर पे जाकर शरण लेते हैं, सोते रहे हैं, पकड़े गए थे और फिर जवाब नहीं बना था इनसे केजरीवाल साहब से, वो विषय नहीं है। 1980 से लेकर 1996-98 तक पंजाब में खूब सहा है, और वो सारी की सारी जो वहाँ पंजाब में जो दिक्कत शुरू हुई वो कांग्रेस की देन थी। वहाँ पर जितना पंजाब में आतंकवाद का मामला था वो कांग्रेस की देन थी। और आज उनके नेता किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं इस बात से गहरीवाल से सहमत हूँ कि कैप्टन साहब को इस पर चिंता नहीं जितानी चाहिए, उस पर तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कब बुलाया उनको, 3 दिन नहीं बुलाया उनको जब उन्होंने कश्मीर के बारे में बोला, कोई कश्मीर तो उनको सूट करता था, तब बुलाया जब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का ये फोटो जो आप शायद दिखाते हुए शर्मा रहे, ये फोटो जब उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला ये कहकर श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कुछ चर्चा करी, तो उनको लगा कि नहीं नहीं अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम भी आ गया, गांधी परिवार का नाम आ गया। परंतु 3 दिन तक कश्मीर के विषय में जो उन्होंने बयान दिया उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, ना उनको बुलाया गया ना समन किया गया। और ये जो बार बार पल्ला झाड़ रही है कहकर कि नहीं नहीं वो तो कोई हमारे सदस्य नहीं है, भैया एडवाइजर टू दी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, वो सदस्य बिना कैसे एडवाइजर बन सकता है, वो कोई तनख्वाह पे एडवाइजर है, वो पॉलिटिकल आदमी है, जो एडवाइजर है सबके सब पॉलिटिकल आदमी है, सबके सब वो कांग्रेस के सदस्य होंगे तभी तो एडवाइजर है, परंतु पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है, पंजाब को वापस से डिस्टर्ब करना है, इसलिए आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर बड़े आरोप। और सीधा सवाल ये है कि फिर देशद्रोह का मामला क्यों नहीं दर्ज कर दिया जाता इन दोनों के ऊपर, ऐसे भी तो आजकल देशद्रोह के बहुत मामले दर्ज हो ही रहे हैं। देखिए मैं तो पहले एक बात कह चुका हूँ आरपी सिंह भाई को के साथ भी प्रज्ञा भी इनकी पार्टी में है, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में, और मनोज मोदी जी ने उस चीज का बहुत ज्यादा जानकारी के लिए वो मुकदमा खारिज हो चुका है। परंतु ये बताइए कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है, ये कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है, अभी मैंने एक बताए तो लगातार कांग्रेस कश्मीर को अलग बताती है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कश्मीर के बारे में चिंता करनी है, कश्मीर अलग है। आरपी सिंह साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा पहले प्रीतपाल जी की बात सुन लीजिए क्योंकि थोड़ा ऑडियो डिस्टर्बेंस है उनके, प्लीज एक मिनट सर, आरपी सिंह साहब एक मिनट सर, सर एक मिनट पहले प्रीतपाल जी की बात सुन लेते हैं फिर आप अपनी बात रखिएगा प्लीज सर, सर थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है जी, प्रीतपाल जी प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। मैं तो आरपी भाई को ये कह रहा था वो ज्ञान बांट रहे थे सबको कि बीच में बोलते नहीं है, बट मैंने बोलना शुरू किया तो उन्हें मिर्ची लग गई। बात ऐसी है कि विचारधारा बदलते हुए टाइम नहीं लगता, जैसे इन्होंने गंगा जल रखा हुआ है बीजेपी के सिद्धू की बदल गई चाहता है, जैसे जैसे कांग्रेस से कुछ जैसे सिद्धू की बदल गई बदल फिगर देते हैं। आरपी सिंह जी देखिए आप दिक्कत होती है इसी चीज, आप विचारधारा बदलने की बात करिए, मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, बार बार कई ना सारे नाम दे रहे, मैं सिद्धू का भी नाम दे रहा हूँ ना आपको, ठीक है, हमारे 12-14 एमएलए खरीद कर उनके साथ सरकार भी बना लेते हो, फिर कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल बिल्कुल बदल देती है। आप मैं उस अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ विचारधारा बदलते हुए टाइम नहीं लगता, आप लोग तो उनके साथ मिले हुए थे, अभी सिरसा जी बैठे थे, मैंने उनसे पूछा
के हैं सवाल, आप ही उनके साथ भागीदार थे पंजाब में जब वहां पे यादगारें बनी है, सब कैसे बन गई? और सिरसा जी तो अभी चुनाव लड़े हैं एक दिन पहले, तो इन्होंने तो बादल साहब की फोटो तक भी लगवाई थी इनके पोस्टर के प्रचार में, क्योंकि लोगों ने नकार दिया हुआ है अकाली दल। अकाली दल तो ज्ञान दे ही ना, और पंजाब में भाजपा की स्थिति ऐसी है कि कोई पूछता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी छोटी छोटी बातें करके अपनी वो रास्ता बना रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं पोषण मिल जाए और पंजाब की जनता के बीच में हम बात रखने लोग घूमे। सबसे बड़ा इशू आज की डेट पे किसानी है, इन्होंने किसानों को आतंकवादी बोल दिया था अजय भाई, वो किसानों को आतंकवादी रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला था, ध्यान करो यार, पढ़कर आया करो। रवनीत सिंह बिट्टू का 24 जनवरी का बयान सुन लो, 23 जनवरी और 24 जनवरी का बयान सुन लेना चाहिए आपको। अभी अभी करोड़ी लाल मीना की बात करूंगा, रवनीत सिंह बिट्टू का 23 जनवरी का बयान निकाल कर सुन लो, वो सिंघू बॉर्डर गए थे और पीटे गए थे और जान बचा कर निकले थे वहाँ से, क्या कहा था रवनीत बिट्टू ने वहाँ से आने के बाद? आर पी सिंह साहब, करोड़ी लाल मीना आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना राजस्थान, मैंने जो कहा उसका जवाब दीजिए, आपके कांग्रेस के सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने क्या कहा था वहाँ से निकलने के बाद, 23 जनवरी के निकलने के बाद? ये लोग कौन है, क्या कहते हैं? सारे के सारे खालिस्तानी, हमने नहीं कहा था ये खालिस्तानी है या नहीं है? रवनीत बिट्टू का क्या बयान था? परंतु मुद्दे पे आओ, आप मुद्दे पे आओ, कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं ये बताइए, राहुल गांधी का क्या क्या कहना है? आप ज्ञान मत बांटो इधर उधर की बात। आपने कई सारे सवाल आरपी सिंह साहब डाल दिए, जरा प्रीतपाल जी को इसका जवाब देने दीजिए। प्रीतपाल जी की आवाज सुन रहे हैं हम अभी जी। मैंने तो अभी इनसे पूछा, करोड़ी लाल मीना का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने अंबागढ़ कोर्ट पे एक ध्वज लगा दिया, तब तिरंगे का अपमान नहीं हुआ? यहाँ पर हमारे लोगों जब जब वो कहा सफेद तिरंगा झूठ रहा था, तो हमारे लड़कों के ऊपर केसेस भी बना दिए दिल्ली में, दिल्ली पुलिस इनकी भी करोड़ी लाल मीना के ऊपर अभी तक कोई केस नहीं चला, वो भी देश विरोधी हो गया ना, जब दूसरा झंडा लहराएगा तब बीजेपी को दिक्कत नहीं होती। बीजेपी अपने अकॉर्डिंगली मुद्दे चूज करती है, उस पर राष्ट्रभक्ति निकाल देती है, उस पर देशद्रोही निकाल देती है। मैंने चराधी प्रज्ञा का एग्जाम्पल दिया, तो इन्हें मिट्टी लग गई थे, उसके ऊपर हमने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। करोड़ी लाल मीना का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो विड्रॉ कर दिया। जो जंतर मंतर के ऊपर नारे लगे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उससे ये विड्रॉ कर लेते हैं, उनके प्रवक्ता लगवाते हैं, उस चीज का जवाब नहीं होगा। बट चलिए, आपने यहाँ पे एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। आरपी सिंह साहब, आप अपने अपने हिसाब से मुद्दे चूज करते हैं, आप अपने हिसाब से तय करते हैं कि कहाँ देशद्रोह का एजेंडा चलाना है, कहाँ पर कौन सा एजेंडा खेलना है, कौन सा इमोशनल कार्ड खेलना है। आप ऑपर्चुनिस्ट हैं, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर। इनसे इतना पूछिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है, ये उत्तर दे दे, उत्तर नहीं देंगे। राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, ये उत्तर नहीं देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू 3 दिन तक सोते क्यों रहे, जब तक उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी की एक फोटो रियली नहीं डाली जिसमें वो बंदूक के साथ और वहां पर खूब सारे कंगालों के साथ बैठ खड़ी हैं, तब तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा स्पष्ट है, इनका बड़ा क्लियर स्टैंड है, ये पंजाब को खराब करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान प्रीतपाल जी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी मानती है कि नहीं, आप क्या कहते हैं प्रीतपाल जी? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, पीओके जो उधर पाकिस्तान ने हमारा कब्जा किया है वो भी हमारा हिस्सा है, ठीक है। बट आरपी सिंह साहब जब पंजाब में आतंकवादियों की यादगार बना रहे थे ना, तब उनके साथी थे आप लोग, वो कैसे बना दी, तब आपने कैसे बनने दे दी, उस चीज का भी जवाब दीजिए ना। दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में बनी है जो, उस चीज का जवाब है आपके पास? सिरसा जी इसका जवाब दे रहे हैं। सिरसा साहब आपके दौर की बात हो रही है, प्रीतपाल जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सिरसा साहब, अब हमारे पे अगर आरोप श्री दरबार साहब के ऊपर हमला करने वाले लगाएंगे, श्री अकाल तख्त साहब को गिराने वाले लगाएंगे, 1984 के अंदर हजारों बेगुनाह लोगों के गले में टायर डाल के आग लगाने वाले लगाएंगे, तो अजय जी ये तो दोष ही लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूँ, बात बहुत संक्षेप में एक बात थी कि देश के खिलाफ हम ये बात नहीं सुनेंगे, जिन लोगों ने कार्रवाई की है हम उनको तुरंत पार्टी से बाहर निकालते हैं, बड़ी संक्षेप में बात थी। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी में अजय जी अगर ऐसा हुआ होता तो सभी पार्टियों की यही प्रतिक्रिया होती, होनी भी चाहिए थी, पर कांग्रेस उसको बार बार क्यों जस्टिफाई करना चाहती है, इससे बड़ा एक क्लियर संदेश जाता है। सिरसा जी, प्रीतपाल जी तो यहाँ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का न सिर्फ अभिन्न अंग मानते हैं, बल्कि पीओके को भी वो अपना हिंदुस्तान का हिस्सा मान रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई दुविधा हुई नहीं। मानते हैं वो, कह रहे कि इंडिविजुअल बयान है, तुरंत माफी मांगेंगे, आप इससे संतुष्ट हैं क्या?
नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ अगर उनका इंडिविजुअल बयान है तो फिर पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, आप बात समझिए। नवजोत सिद्धू का भी जब कह दिया था इंडिविजुअल बयान, इंडिविजुअल कैसे हो सकता है, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर हूँ, मुझे पार्टी ने अगर टीवी पे बोलने का मौका दिया है मेरा बयान इंडिविजुअल नहीं हो सकता। अगर उनके एडवाइजर कांग्रेस ने बनाया, और मैं नहीं कह रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों बोलना पड़ा, प्रीतपाल सिंह बस इस बात का जवाब दे दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों बोलना पड़ा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत बोल रहे हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं बोलना चाहिए था। हम नहीं बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कम से कम उससे तो आप सहमति चलिए इसका जवाब देते हैं जी, जवाब दीजिए प्लीज सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का वक्त कम है थोड़ा जी, मैं तो पहले ही सहमति जता चुका हूं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिविजुअलिटी और पार्टी दो अलग अलग चीजें, मैंने सिप्पा साहब से 30-32 साल पहले वाली बातें पूछी बादल साहब की, उसके ऊपर कब माफी मांगेंगे, देश का कॉन्स्टिट्यूशन साड़ा था बादल साहब ने पार्लियामेंट के आगे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, कब माफी मांगेंगे उस चीज की, सिप्पा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिप्पा साहब से पूछा आपने इलेक्शन लड़ी है दोनों बादल की तस्वीरें क्यों नहीं लगाई अपने पोस्टर के ऊपर, उसका जवाब नहीं सिप्पा साहब ने दिया। ये 84 पे लोग कौन जाते हैं, जो नौजवानों के ऊपर पंजाब में गोलीकांड करवाया बादल से उसका जवाब कौन देगा, समेत सैनी के लिए वकील खड़े कर फौज कभी कर देते हैं उसका जवाब कौन देगा, गुरु साहब की बेहद भी करवा देते हैं ये लोग उसका जवाब कौन देगा, सवाल लोग पूछते हैं इसीलिए तो सिप्पा जी ने सिप्पा जी छोटा जवाब दीजिए, अपने छोटा सा जवाब दीजिए, तय वक्त मेरे पास सिप्पा साहब मुझे आरपी सिंह साहब के पास जाना जी। मैं हैरान हो रहा हूँ कि आज की जिस चीज की डिबेट है उस पर ही प्रीतपाल जी बोलना नहीं चाहते, बाकी सब मुद्दों पे बोलना चाहते हैं। प्रीतपाल जी आप ही 84 का अभी तक जवाब नहीं दे रहे, मेरे से तो आप सवाल तो पूछे अगर आपने जवाब दे दिया हो तो। मैंने तो आपसे बड़ा संक्षेप में पूछा है, क्या श्री अकाल तख्त साहब पे जो हमला किया गया था, श्री दरबार साहब पे हमला किया गया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सीने में गोली मारी गई थी, क्या आप उसके साथ सहमत हैं, जो कांग्रेस ने किया था आप सहमत हैं उसके साथ, तो आप उसका आप तो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, जिसकी जिनके लिए डिबेट हो रही है वो अपना जवाब देने को तैयार नहीं है, तो कम से कम आप पहले जवाब तो दीजिए फिर मैं आपकी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। जवानों के ऊपर गोलीकांड करवाया उसके साथ सहमत है आप लोग, इस चीज का भी जवाब दे दीजिए जो कोटकपुरा बैबल कांड में गोली, मेरे पास वक्त कम है इसलिए राजीव रंजन जी मैं आपको यहाँ बीच में ला रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या स्टैंड रखा है वो अब आपके सामने है, आपको लगता है कि कांग्रेस का ये स्टैंड कारगर है, काफी है इस तरह के विवाद से अपने आप को अलग करने के लिए? राजीव रंजन जी छोटा सा जवाब। नहीं, मुझे लगता है अब तक जो भी कांग्रेस की ओर से सफाई आई है ये अपर्याप्त है, इससे इस पूरे कोहराम पर विराम नहीं लगेगा। देश के साथ अगर छल कोई भी करना चाहेगा इस देश के लोग इसको स्वीकार करता ही नहीं करेंगे। कांग्रेस की साख का सवाल है और देश के लिए कानून का भी सवाल है कि ऐसे मसलों पर कानून को अपना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार चाहे जिनकी भी हो जी, अगर उनके दल के भी किसी नेता के सहायक ने ऐसा बयान दिया है तो पंजाब की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है जी, पहले भी फैसले देर से लेने की वजह से कांग्रेस का नुकसान करा चुके हैं। जल्द उन्हें फैसला कार्रवाई होनी चाहिए, आपके हिसाब से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहते हैं? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। और प्रतपाल सिंह जी, कैप्टन साहब भी आनंदपुर साहब के मते के लिए अकाल तख्त के बाहर खड़े हुए थे अकाली मित्रों के साथ अपने आप की, जब वो अकाली दल में थे तब वो भी आनंदपुर साहब के मते के लिए वहां खड़े थे, आपकी जानकारी के लिए। आपकी यदाश्र ताजी करो और ये समझ कर आया करो। चलिए, परंतु एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस की ये लेट पॉलिसी है, कश्मीर पार्टियां कार्रवाई की मांग कर रही है, क्या कार्रवाई के लिए आपकी सरकार तैयार रहेगी? प्रीतपाल जी आखिरी जवाब। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आरपी सिंह जी को भी अपडेशन कर लेना चाहिए कि आनंदपुर साहब मते के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं थे, आप अपडेट कर लीजिए अपने आप। आपको फोटो भेज दूंगा कैप्टन साहब की, मैं आपको अकाल तख्त के सामने खड़े हुए अकाली नेताओं के साथ खड़े हुए फोटो भेज दूंगा कैप्टन साहब की, आपके ध्यान के लिए। यादगार बनवाई है पंजाब में, असली मुद्दे थे पंजाब के उससे भटकाना था, भटका दिया वहाँ पर, और इन्होंने भटकाना था पंजाब के असली मुद्दों से, उससे भटका दिया। हमारे पास बहस के लिए इतना ही वक्त था, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मुद्दा यह है कि आज इस तरह के बयानात को सामने रखकर क्या हम दूसरे देशों को या दूसरे ऐसे तत्वों को मौका नहीं देते जो देश विरोध की आवाजों को बुलंद करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं? ऐसे बयानबाजी से अगर देश नहीं बचेगा तो राजनीतिक दलों के ऊपर सवाल उठेंगे जो आज कांग्रेस के ऊपर उठ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर,
लेकिन ब्रेक के बाद, देश में आज इंदौर में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है जो कि हेडलाइंस बनी है। आरोप है कि एक चूड़ी वाले को सिर्फ इसलिए बुरी तरीके से पीटा गया क्योंकि वो मुसलमान था और उसने अपना नाम हिंदू का रखा हुआ था। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।